Hello everyone, welcome to KHANTECH Education. Last video was about Phylum Cnidaria और Cnidaria, जिसमें हमने जो है Phylum Cnidaria का basic overview लिया था और साथ ही साथ इसके characteristic को discuss किया था. So आज का जो हमारा topic of discussion है वो locomotion है. So आज की इस video में हम locomotion and Cnidarians को जो है वो discuss करेंगे. So without wasting your time, let's get started. So now the locomotion, जैसे कि आप सब जानते हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो cnidarians हैं या cnidarians हैं वो दो तरह की जो है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स रखते हैं या उनकी दो तरह की जो है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं. एक का नाम है पॉलिप और दूसरी जो है मेडुसा. ठीक है, सो इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है दोनों का वो भी अलग अलग है. जैसे कि आप सब जानते हो कि पॉलिप जो है वो एक सिसाइल फॉर्म है जो एक जगह पर अटैच रहती है, जबकि जो मेडुसा है वो फ्री स्विमिंग है. सो इनकी जो लोकोमोशन है वो भी जो है डिफरेंट तरह से होती है. तो सबसे पहले जो है हम पॉलिप्स की लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जो पॉलिप्स हैं वो अटैच रहते हैं एक सबस्ट्रेटम के साथ. सो लोकोमोशन जो है इनकी यूजुअली इतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर ये क्रॉल करते हैं या ग्लाइड करते हैं या somersaulting से जो है इनकी लोकोमोशन होती है. सो ये भी जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो हैं या डिफरेंट टाइप्स की लोकोमोशन को जो है शो करते हैं या परफॉर्म करते हैं. ओके, दे मे मूव somersaulting. ओके, somersaulting क्या है? Somersaulting को जो है हम अपनी लास्ट वीडियोस में भी जो है डिटेल से देख चुके हैं, जिसमें हमने हाइड्रा की जो है लोकोमोशन को डिस्कस किया था, जिसे मैं अभी यहाँ पर आपको समझा देती हूँ और साथ ही साथ में जो है हाइड्रा की लोकोमोशन का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप वहाँ से भी जो है somersaulting को या पॉलिप की लोकोमोशन को जो है वो डिटेल से वहाँ पर देख सकते हो. ओके, बेसिकली somersaulting क्या है? द somersault फॉर्म बेस टू टेंटिकल्स एंड फ्रॉम टेंटिकल टू द बेस अगेन और दे मूव इन एन इंचवर्म. बेसिकली ये एक इंचवर्म की तरह की मूवमेंट है. इसमें होता क्या है, जैसे आप इस पिक्चर में और डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है हाइड्रा है एंड हाइड्रा की बॉडी जो है बेंड होना स्टार्ट होती है और जो इसके टेंटिकल्स हैं वो जो है सबस्ट्रेटम की तरफ जो है बढ़ते हैं और सबस्ट्रेटम के साथ जो है अटैच हो जाते हैं. ठीक है, सो इसके अटैच होने की वजह से जो है इनकी जो बेसल डिस्क होती है वो अपनी जगह से जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये अटैच है और यहाँ से ये रिलीज होना स्टार्ट होगी तो ये इसके टेंटिकल्स जो है वो नीचे की तरफ आ गए और जो इसकी बेसल डिस्क है वो ऊपर की तरफ आ गई. अगेन जो है फिर हाइड्रा जो है बेंड होना स्टार्ट होता है और अगेन जो इसकी जो बेसल डिस्क है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाती है और इसके टेंटिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ अगेन अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाते हैं और इस तरह से जो है हाइड्रा आगे की तरफ मूव करता है. सो दिस इज द टाइप ऑफ somersaulting जो हमें हाइड्रा में जो है दिखाई देती है. हाइड्रा जो है एक पॉलिप फॉर्म है cnidarians की. ये जो है फ्रीली भी मूव कर सकता है बट जो कॉलोनियल पॉलिप्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं वो जो है वो परमानेंटली अटैच हैं तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, सिर्फ जो है वो ग्लाइडिंग या क्रॉलिंग वगैरह ही करते हैं. जैसे कि अगर हम सी anemones की बात करें तो सी anemones जो है वो अपने बेसल डिस्क की वजह से जो है वो क्रॉल करता है और थोड़ा सा मूव करता है. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट द लोकोमोशन इन पॉलिप्स. आई होप यू अंडरस्टूड. तो आगे चलते हैं और बात करते हैं मेडुसा की लोकोमोशन की. सो मेडुसा इज अनदर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द cnidarians. जैसे कि आप जानते हो कि मेडुसा जो है वो फ्री लिविंग है, मोटाइल है, मूव कर सकता है, स्विम करता है, जिसकी एग्जांपल जो है वो है जेलीफिश. ठीक है, सो इसकी लोकोमोशन किस तरीके से होती है? सो मेडुसा मूव बाय स्विमिंग एंड फ्लोटिंग. मीन्स जो मेडुसेज होते हैं वो स्विमिंग भी करते हैं और फ्लोटिंग भी करते हैं. अगर इनकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें तो जो इनकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसके लिए हमारे पास वाटर करंट्स एंड विंड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि जो इनकी वर्टिकल मूवमेंट है वो स्विमिंग से स्विमिंग के थ्रू होती है. सो यूजुअली जो मेडुसेज हैं फ्रीली मूव करते हैं और जो इनकी स्विमिंग है वो यूजुअली इनकी जो बेल होती है उसकी कंस्ट्रक्शन से और जेट प्रोपल्शन से जो है वो होती है. आप इस इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं जो बेल्स हैं और जेट्स हैं इनके कंस्ट्रक्शन और प्रोपल्शन से जो है वो मेडुसेज जो है वो मूव करते हैं. ओके, सो होता क्या है, cnidarians फिल देयर होलो सेंटर विद वाटर एंड देन शूट इट आउट अगेन. सबसे पहले जो cnidarians होते हैं जो इनके अंदर होलो कैविटीज मौजूद होती हैं उनको जो है वाटर से फिल करते हैं, उसके बाद जो है उस वाटर को जो है बाहर की तरफ एक प्रेशर के साथ जो है वो शूट आउट कर देते हैं यूजिंग देयर मसल्स लाइक नर्व रिंग्स टू प्रोवाइड देम इन लोकोमोशन, जिसकी वजह से जो है इनकी लोकोमोशन होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस दे कैन एक्टिवली मूव इन द डायरेक्शन देयर बेल इज फेसिंग. बेसिकली जो cnidarians हैं वो अपनी जो उनके होलो सेंटर्स होते हैं उनको वाटर से जो है पूरी तरीके से फिल करते हैं
उसके बाद ये जो वाटर फिल हुआ होता है इसको अपनी बॉडी से जो है शूट आउट करते हैं एक प्रेशर के साथ मसल्स की हेल्प से, जिसकी वजह से जो जेली फिश है या मेडूसेस हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं और उस तरफ मूव करते हैं जिस तरफ उनकी बेल का फेस होता है. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट लोकोमोशन इन निडेरियंस. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खानटेक एजुकेशन. थैंक यू.